का नाता है, गाय हमारी माता है, वेद धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, वेद धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, वेद धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, वेद धर्म का नाता है, करम करम का नाता है, गाय हमारी माता है, करम करम का नाता है, जब तक सूर्य चांद रहेगा तो माता का नाम रहेगा, जब तक सूर्य चांद रहेगा तो माता का नाम रहेगा, जब तक सूर्य चांद रहेगा तो माता का नाम रहेगा, जब तक सूर्य चांद रहेगा तो माता का नाम रहेगा, एक दो तीन चार गो माता की जय जयकार, एक दो तीन चार गो माता की जय जयकार, एक दो तीन चार गो माता की जय जयकार, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, चला निर्माण की मांग को लेकर आज उनचास दिन हो गए करने वाले थे और आज आपने उपाधि रखा, क्या कहना है आपका? आज 49 दिन हो गए हैं इस धरने को लगाए हुए, हमारा सीधा सा उद्देश्य है कि नंदी महाराज को अपनी जो 28 बीघा जमीन आवंटित हुई है वो मिले और गौशाला के लिए जो सिल और रोड पर 11 बीघा जमीन आवंटित हुई है वो मिले, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो मेरी आत्मा ही दर्द करने लग जाती है, मेरे पास शब्द नहीं रहते हैं, ऐसी हालत हो रही है इनकी कि ये भूखों मर रहे हैं, लोगों से टकरा रहे हैं, लोग इनको भगा रहे हैं, इस तरह की जो व्यवस्था देखता हूँ उससे मेरा मन अति दुखी हो जाता है। मेरा सीधा सा निवेदन है सभापति जी से और जो भूमि पूजन करके आए थे उनसे, इनके साथ साथ गोपालन मंत्री से और जिला कलेक्टर महोदय से कि आप शीघ्रता से इनको अपना स्थान दिलाइए, क्योंकि इनका स्थान आवंटित हो चुका है, राज्य सरकार ने आवंटित कर चुका है, हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि अतिक्रमी को शीघ्रता से गिरफ्तार करके और वो जगह खाली कराकर और इनको गौशाला बनाई जाए, लेकिन आज दिन तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो लोग मदमस्त हो चुके हैं, पूजा और भूमि की पूजा करने के साथ ही वो अलमस्त हो चुके हैं, उनका कोई ध्यान नहीं है। मेरा निवेदन है उनसे सीधा सा, अस्पताल के कम से कम 200-250 गोवंश जो वहाँ पे पड़े हुए हैं कम से कम उनको तो सेट कीजिए, ये तो सरकारी काम है, इसमें तो किसी का कोई काम नहीं है। गोपाल गौ सेवा संस्थान वहाँ सेवा दे रहा है, लेकिन जिम्मेदारी आप लोगों की बन रही है, आप लोगों को ही उनको व्यवस्थित करना है, क्योंकि इस बात का फंड राज्य सरकार काटती है और आप लोगों को भेज रही है। आज वो फंड पड़ा हुआ है, कलेक्टर साहब के पास है, आपके पास है, इसका हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं, ये पता आपको ही है, तो उस फंड का भी कोई उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो जाए कहीं कि आचार संहिता लग जाए, आप लोगों के हाथ में कोई शक्ति नहीं रहे और फिर आप कहोगे हम कैसे करें, तो ये नहीं चलेगा। इसका सीधा असर आपके ऊपर पड़ेगा, आपका ये पदस्थाई नहीं है, आपको ये केवल सेवा के लिए मिला है। इसी के साथ साथ मैं उन 60 वार्ड पार्षदों को जिसमें आप और उपसभापति जी भी आते हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जब नगर परिषद में पद पे बैठ चुके हो तो आप ना बीजेपी हो ना आप कांग्रेस हो, आप जनता के सेवक हो, आपको इन सबसे हटकर अगर आपके ऊपर कोई दबाव है तो आप हमें बताइए, जनता को बताइए, आपका दबाव हटाया जाएगा, लेकिन आप इस तरह से गुपचुप नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि आपने जनता से वोट लिया है, सेवा करने का वादा किया है, आप उसमें आगे नहीं आ रहे हो, इसलिए कहीं ना कहीं आप लोगों का स्वार्थ झलकता है। नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ। हमने जब उस 28 बीघा पर जाकर देखा तो वहाँ 28 बीघा पर कोई अतिक्रमण नहीं हटा हुआ है, सिर्फ 15 बीघा जमीन पर अतिक्रमण हटा हुआ है, बाकी की 13 बीघा जमीन पर फसल उगी हुई है। पीछे से जाकर आप देख सकते हैं जो ये 25 फुट का रोड बना रहे हैं वो किसके लिए आप बना रहे हो, ये संदेह की स्थिति पैदा करता है। मेरा निवेदन है, उन सबसे निवेदन है जो उस पूजा में गए थे।
जैसे बलभद्र जी गए थे उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप जिस तरह की पूजा में गए थे, पंडित ज्योति शंकर जी आपने जिस तरह की पूजा कराई वो पूजा अवैध है, क्योंकि आपने 28 बीघा पर पूजा कराई नहीं, आपने तो सिर्फ 15 बीघा पर पूजा कराई है, उसको नापा तोला जा सकता है। अगर इसमें कोई भी बात की गलती है तो आप लोग दंडनीय है, आपने गलत काम किया है। मेरा निवेदन है राज्य सरकार ने जो बजट पास किया है, राज्य सरकार ने जो जगह आवंटित की है उसको अति शीघ्रता से इन्हें गौ माता और नंदी महाराज को समलाई जाए, क्योंकि ये रोड पे मारे मारे फिर रहे हैं। आज अगर बामाशाह लोग इनको अगर चारा नहीं डाले तो ये कहाँ से चारा खाएंगे? अगर आज जनता इनसे बचकर नहीं चले तो जनता कहाँ से बचेगी? आप लोग तो आराम से सो रहे हो, प्रोग्रामों में व्यस्त हो रहे हो, ये बहुत निंदनीय है। मेरा निवेदन है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अतिशीघ्रता से इनका निस्तारण कीजिए। जब आत्मा दुखी होती है तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसी संदर्भ में मैंने आज एक दिवसीय भूख हड़ताल की है कि आप लोगों के अंदर सद्बुद्धि आ जाए, आप लोगों का विवेक जाग जाए, आप लोगों के अंदर दर्द की भावना जगे कि हाँ हम इन बेचारा पशुओं को, बेचारा गौ माता और नंदी को अपना स्थान देंगे। सभापति जी कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जैसा कि मैं जानता हूँ आप भी कुछ धर्म कर्म में विश्वास रखते हो, आप भी धर्म कर्म करते हो, तो आपके अंदर क्यों नहीं जाग रही है ये भावना? आप इस तरह की अपनी जमीन बचाने के लिए क्यों निष्ठुर हो रहे हैं? नागौर के अंदर गांव गांव के अंदर गौशाला है, आप नागौर जाकर देखिए हर गांव के अंदर गौशाला है, लोग अपनी जमीनें सब विवेक से खुद दान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि आप तो जो राज्य सरकार ने दिए उसको ही दबा रहे हैं, ये निंदनीय है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। घर में रहने वाले परिवारों के किसी भी सदस्य के ऊपर कभी भी कोई भी गोमंत या नंदी हमला कर घायल कर सकता है, क्या शहरवासियों को मत दीजिए? छोटा का सभापति जी, सभापति जी तो बिल्कुल निष्ठुर हो रहे हैं इस मामले में, उनको शहरवासियों की कोई परवाह नहीं है, उनको तो केवल अपना काम बनता और बाढ़ में जाए जनता, इस तरह का उद्देश्य है। इसके साथ साथ मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ कि जब आपको इतनी तकलीफ हो रही है, आप लोग इतने परेशान हो, आपके छोटे छोटे बच्चे वगैरह खतरे में है, तो आप क्यों नहीं वार्ड पार्षदों का घेराव करते हो? क्यों नहीं आप इन अपने अपने वार्डों में इनको मजबूर करते हो? क्यों नहीं सभापति का पुतला हर वार्ड में जलाया जाता है? इसको कड़ी चेतावनी है मेरी, जनता से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे गलत लोगों को जो वार्ड पार्षद चुन के चले गए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, इनको अपने ही वार्डों में कालामुख कर दिया जाए इनका। आगामी चुनाव को देखते हुए वार्ड में जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, तो जनता का क्या रुख रहना चाहिए? जनता का रुख इनका विरोध करने का रहना चाहिए, इनसे जवाब मांगना चाहिए कि जब आपको जमीन आवंटित हो गई तो आप इनको बेसारा पशुओं को आप वहाँ क्यों नहीं ले जाते हो? इनको जनता को कहना चाहिए इनसे कि आप इस तरह के गलत काम कर रहे हो, और आपके साथ साथ आप जो ये दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं ये गलत कार्य कर रही हो, छोटे मोटे दल तो बहुत सारे चुनाव लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, लेकिन मेन मजबूत पार्टियां दो है, बीजेपी और कांग्रेस। विधायक है यहाँ पे बीजेपी का, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। विधायक का अभी भी हमने देखा है वह हरिमोहन जी के साथ गले मिल के एक तरीके से साथ चल रहा है, तो आप पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। विधायक साहब हम आपकी कड़ी निंदा करते हैं, आपकी शिकायत हम सांसद साहब से करेंगे, आप इस तरह का जो निंदनीय कार्य कर रहे हो, बीजेपी का जिलाध्यक्ष है, महिला मोर्चा है, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं पृष्ठभूमि के अनुसार संघ की पृष्ठभूमि हमेशा सेवा भावना की रही है, लेकिन संघ का भी कोई सराहनीय कदम नहीं है, विश्व हिंदू परिषद का कोई नहीं है, बजरंग दल का कोई नहीं है, हरे से बड़े बड़े जुलूस तो दुनिया ही निकालती है, तुम लोग जब झूठे तरीके से ये प्रचार करते हो, झूठे तरीके से धरने लगाने के बात करते हो, तो हमारे को बड़ी तकलीफ होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ सभी संगठनों से, अति शीघ्रता से इस समस्या का समाधान कीजिए। यह आंदोलन अकेला कोई गोपाल सेवा संस्थान का ही नहीं है, यह आंदोलन केवल उनके लिए तो प्रेरणादायक कर रहे हैं आप लोगों के लिए, यह आंदोलन आप सभी का है, आप सबको बचाने का है, इसके साथ साथ गौ माता को और नंदी को अपना स्थान दिलाने का है। ये जुवान जानवर अगर अपनी बात बोल पाते, ये बेसहारा अपनी बात बोल पाते, तो ये हमको इस धरने पर नहीं बैठना पड़ता, लेकिन हमको मजबूर होकर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि ये अपनी बात को कह नहीं सकते, केवल इनकी आंखों से हमें व्यक्त होता है। इसी तकलीफ और इसको दुख को देखते हुए मैं एक दिवस से मैंने भूख हड़ताल की है, ये क्रम जारी रहेगा, ये क्रम यही रुकने वाला नहीं है। गोभक्त दिन प्रतिदिन भूख हड़ताल करेंगे, अगर फिर भी आप नहीं चेते हो
तो आमरण अनशन किया जाएगा और फिर भी अगर आप नहीं चाहते हो तो आपको आपके घरों में पाबंद किया जाएगा। इस तरह का आंदोलन करने के लिए आप हमें मजबूर मत कीजिए। आपने बात की संगठन की, धर्म के नाम पे कई बड़े बड़ी रैलियां निकाली जाती है, भीड़ इकट्ठी की जाती है, कहीं ना कहीं गो माता भी धर्म से जुड़ी उनके लिए क्यों नहीं आह्वान किया जा रहा है कि भीड़ इकट्ठी हो। सारे धर्म आचार्य तो केवल गाय की कथा का घर और चंदा प्रसाद लेकर ही फ्री हो जाते हैं। उनका तो सीधा सा उद्देश्य है कि जोर जोर से बड़ा स्टेज बनाओ और गाताएं गाओ, कथा सुनी ताली आगे कर देते हैं। पहले से कोई सेठ ने फाइनेंस कर रखी है। अरे ये गोसेवा नहीं है, गोसेवा तो आप रोड पे आइए। ये जो जहाँ पे भी भटक रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, इनकी सेवा कीजिए, इसको गोसेवा कहते हैं। संताएं आपने बना ली, इधर उधर भटक रहे हो, लेकिन इनको आगे आप देखो तो सही। रात के समय जब आप बूंदी का सीन देखो तो देखते रह जाओ। आपको मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आप जो इतनी बात उठा रहे हैं, आज अच्छे अच्छे चैनल वाले और अच्छे अच्छे अखबार वाले डर रहे हैं इस चीज से कि हमको प्रशासन ऐसे कर देगा, हमको नेता ऐसे कर देगा। अरे कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये जन आवाज है, ये जन आंदोलन है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इन दोनों को, नंदी महाराज को और गौ माता को अपना स्थान दिलाकर रहेंगे। साथ साथ मैं उन धर्माचार्यों से भी कहना चाहता हूँ, इन कथाओं से कुछ नहीं होने वाला। करना है तो आप फील्ड में अगर काम कीजिए, इनको अपना स्थान दिलाइए। मेरा निवेदन है आपसे। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। गो माता का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। गो माता का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। गो माता का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। गो माता का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। गो माता का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। आज इस प्रकार की मजबूरी आ चुकी है कि भाई साहब को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा है। नगर परिषद, जिला प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि नंदी गौ माता की कितनी निंदनीय स्थिति हो रही है। रोज सड़कों पे ये खाने के लिए, पीने के लिए भटकते रहते हैं इधर से उधर। आदमी इनको कुछ देता नहीं है और डंडे मारता है, इनके भगाता है इनको। जब सरकार ने इनके लिए जगह की व्यवस्था कर दी है तो क्यों नहीं जिला प्रशासन इनको वहाँ पहुँचाता है। आज 200 गायें जिला अस्पताल में पड़ी हुई है अपने, जिसमें से सुना है कि 5 गायें शायद मर भी चुकी है। सरकार को, नगर परिषद के आयुक्त को, नगर परिषद के चेयरमैन को शर्म आनी चाहिए इसको लेके, कि इनकी कोई व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। 28 बीघा जमीन LO2 ही है, 28 बीघा जमीन की सुव्यवस्थित तरीके से करके इनको वहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए। ये जनता की मांग है, जनता को बहुत पीड़ा होती है, देखती है जनता इनको कि रोज गौ माता की क्या स्थिति हो रही है, सड़कों पर दर दर भटक रही है। ये विनाश का कारण है जो गौ माता सड़कों पर मतलब भूखी मर रही है। सरकार को, प्रशासन को सोचना चाहिए इसके बारे में। शहर के युवा तो अपनी अपनी जगह पे, युवाओं का क्या रुख रहेगा? शहर के युवा तो जगह जगह पे देखो अपनी भूमिका निभाते रहते हैं, बाकी फिर भी उनके पास ना तो कुछ पावर है, ना प्रशासन का कोई सपोर्ट है। वो कुछ करते हैं तो सरकार उनको कुछ करने नहीं देती है। आज अगर सरकार वो 28 बीघा जमीन को अगर अलॉट करती है, तो कम्प्लीट व्यवस्था करती है, तो शहर के सारे युवा गौ भक्त गौ माता के लिए और गौ सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, जो आगे आगे सेवा देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। जिस प्रकार गोपाल गौ सेवा संस्था जो भी निर्णय लेगा, हम उसका बिल्कुल पूर्ण तरीके से सहयोग करेंगे, पूरी सहमति देंगे। सुशील शुक्ला। आगे रूपरेखा ये रहेगी, जो संस्थान के सब सदस्य मिलके जो भी सहयोग फैसला लेंगे उसके हिसाब से हम आगे का काम करेंगे। परंतु ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज बूंदी जिला होते हुए, बूंदी जिले के अंदर, और बहुत बड़ा बूंदी जिला है उसके अंदर, आप 49 दिन से हम धरने पे बैठे हैं, इसको पंचायत समिति बना देना चाहिए मेरे हिसाब से। और लड़ाई लड़ रहे हैं गौ माता की और गोवंश की। हिंदू धर्म में, भारत की संस्कृति में गौ माता का और नंदी बाबा का बहुत बड़ा स्थान है, रीढ़ की हड्डी मानी गई है। आज सबसे ज्यादा दुर्दशा गौ माता और गोवंश की हो रही है, ये क्यों? जब राजस्थान सरकार इसका टैक्स ले रही है, स्टाम्प में ले रही है, शराब पे टैक्स ले रही है, वो अभी दे रही है, वो खा जा रहा है पैसा। आज एक गौ भक्त भूख हड़ताल ले भी रहे थे, हाँ, और फिर भी प्रशासन को किसी प्रकार की जू नहीं रही, इसका क्या कारण? प्रशासन यहाँ का गूंगा बेरा अंधा है, इसको कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। मात्र इनको तो ये दिख रहा है कि हम सीट पे बैठ गए, हमको जो पैसा लगाया है ये व्यवसाय कर किया इन्होंने, ये राजनीति नहीं हो रही बूंदी में, बूंदी में राजनीति के अंदर व्यवसाय हो रहा है, पैसा लगाओ और पैसा निकालो। यदि
शीघ्र ही नंदीशाला निर्माण या गोवंशों का निराकरण नहीं हुआ तो संस्था द्वारा क्या उचित निर्णय लिया जाएगा? संस्था द्वारा निर्णय, संस्था के सभी पदाधिकारी बैठ के स्वामी, हम अपने गोपाल जी भाई साहब है और हमारे प्रमोद जी भाई साहब है, प्रहलाद जी हैं, ये सबसे सामूहिक फैसला करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रमोद शर्मा आज भी ऊपरदाल में बैठे हैं, उससे आपकी अंतरात्मा जागी, आप क्या फैसला लेंगे? आप भी ऊपरदाल में बैठे हैं। हमारी अंतरात्मा इतनी जाग चुके, हम पहले 6 दिन तक भूख हड़ताल पे अनशन पे बैठ चुके, पर ये प्रशासन इतना गूंगा और बेरा है कि ये भूख हड़ताल अनशन पे बैठे मर भी जाए इनको 1% अति पर भी दुख नहीं है। क्यों? ये चाहते यही है। आज ये अनशन चल रहा है, इनको दिख नहीं रहा है, यहाँ से बूंदी के राजनेता, यहाँ के अधिकारी सब निकल के जा रहे हैं, उनको धरने नहीं दिख रहा है क्या? आंखों से अंधे और बेरे हैं क्या? परंतु यहाँ क्या है, यहाँ नो सीखे तो प्रशासन अधिकारी भेजे जाते हैं स्पष्ट बार, तो न तो उनको काम करने का अनुभव है और न ही उनको काम करने की जिज्ञासा और न ही वो निर्णय ले पाते हैं। इसलिए बूंदी में हमेशा आधा काम और तैयार आधा काम ऐसा ही रह जाता है। आपको अभी उम्मीद है कि काम कर देंगे नगर परिषद? तो क्या नंदीशाला बनाएगी? इन्होंने मात्र औपचारिकता की है और बूंदी की जनता को, आम जन को समझाने का काम किया है, उद्घाटन किया है, वहाँ पर एक पत्थर भी निर्माण कार्य, एक मतलब पत्थर भी नहीं रखा है जो निर्माण कार्य के रखा हो उन्होंने, और वहाँ पर जो निर्माण कार्य अगर हो जाता तो आज हमको दंड नहीं बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। नगर परिषद ने दबाव में आकर नंदीशाला का पुनर्गठन कर दिया जनता को दिखाने के लिए, अब आप जनता को दिखाने के लिए क्या करोगे? नगर परिषद ने औपचारिकता की है, देखो हम भी इसके लिए सभी सोच के आगे आगे, हमारे जो भाई हैं ये कह रहे हैं कि सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे और करेंगे, हम सांकेतिक और एक अनशन मतलब शांतिपूर्वक अनशन करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक धरना देना चाहते हैं, जिससे ये लोग हम पे कोई आक्षेप नहीं लगा सके। ये तो चाहिए रहे कि ये कभी उपद्रव करे और हमको इनको कूट के अंदर कर दे और इनके ऊपर तारीखें चला दे। जल्दी आपकी मांगे नहीं मानी गई तो गोपाल गोसावा संस्थान के सभी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और हमारे प्रमोद जी भाई साहब, गोपाल जी भाई साहब, जो भी निर्णय लेंगे हम उसमें साथ, और हमारे साथ नवयुक्त टीम भी है, बुजुर्ग भी है हमारे साथ, जिसमें लक्ष्मी नारायण जी सरंगी ये लोग हैं, ये सब लोग कहेंगे वैसा करेंगे। आपका नाम? राम बाबू सरंगी, उपाध्यक्ष गोपाल गोसावा संस्थान। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास, व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।